ईश्वर के महानतम रचना में से एक सर्वश्रेष्ठ रचना हम इंसान ही हैं। हम सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हमें ज्ञान है इस बात का कि हम जीवित हैं। हमें अनुभव है कि हम संसार में उपस्थित हैं। ऐसा और कोई भी दूसरा जीव जंतु नहीं है जो अपने जीवित होने का अनुभव करता हो। लेकिन कई बार हम अपने जीवित होने का अनुभव भूलते जा रहे हैं। इसका केवल एक कारण है कि हम अपने सृजनकर्ता से अलग होते जा रहे हैं, इसलिए जीवन का स्वाद खत्म होता जा रहा है। हम ईश्वरीय सामर्थ्य की एक छाया मात्र हैं, कुछ देर के लिए प्रकट हैं, उसके बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं। लेकिन ये क्या कम है कि हम ईश्वरीय सामर्थ्य की छाया हैं? पृथ्वी पर हम इंसान महानतम शक्ति के रूप में हैं और वैसा किया भी है हमने। लेकिन हम इंसानों के कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान होने के परिभाषा के विपरीत हैं। वही है एक ही कारण, स्वयं से ईश्वर को अलग कर रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग का राज आपके भीतर है। इसका मतलब है विश्व की योग्यताओं और शक्तियों का स्रोत आपके अंदर ही है। सब इसी स्रोत से शक्तियां पाते हैं, कहीं बाहर से नहीं। हृदय से एक अदृश्य संपर्क उस परमात्मा के साथ जुड़ा है। मनुष्य का अंतस्थल उस सर्वव्यापक के साथ संबद्ध है और इस कारण हम जीवित हैं। इसी संबंध को जान लेना ही सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज है, और इस खोज के आगे दुनिया के सारे खोज फीके हैं। विश्व की सबसे महान खोज यही है, और हमारे देश के ऋषि मुनियों ने ये संबंध सबसे पहले ही खोज लिया था। लेकिन आश्चर्य, आज की तारीख में सबसे ज्यादा झूठ, घोटाला, धोखाधड़ी, बेईमानी हमारे ही देश में काबिज है। आज कोरोना महामारी के दौर में हमारे देश के कुछ नेता, अधिकारी, डॉक्टर और कुछ इसी तरह के शैतानी लोग जो ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग और हर वो चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग जिससे लोगों को सख्त ज़रूरत है, आज इन नराधम लोगों की बहुतायत से शक होने लगा है कि ईश्वर ने हमें इंसान बनाया था या शैतान। खैर, ऐसे लोगों की आत्मा ही मर चुकी है, ईश्वर इनका न्याय करेगा। वास्तव में ऐसे लोग मरे हुए हैं, ये जीवित लोग नहीं हो सकते। वही हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मदद के लिए आगे आए हैं। खुद को कर्ज में डालकर कोई खाना खिलाने में लगा, तो कोई ऑक्सीजन बंटवाने में। लेकिन आश्चर्य, ऐसे लोगों को भी इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है। ईश्वर की सच्ची पूजा और भक्ति यही है कि ईश्वर द्वारा बनाए प्राणियों से प्रेम रखो। इंसान हो तो इंसान की मदद करने के लिए आगे आओ, सेवा के लिए आगे आओ। मनुष्य ईश्वर की संगति में अच्छे गुणों से भरपूर होता जाता है, लेकिन जब दूर जाता है तो शैतानी गुणों से भरता जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ये सारी सृष्टि यदि एक बहुत बड़ी संपत्ति है तो इसका मुख्य स्वामी ईश्वर है, और उसने हमें इसमें हिस्सा दिया है। इस सारे व्यवसाय में हमारा आंशिक भाग है। हम जितना उस स्वामी के निकट होते हैं उतना ही इसमें से उपभोग कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ संबंध एकत्व हो जाने के कारण हम संसार को समझ सकते हैं। हम शरीर के संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर आत्मिक शक्ति का केंद्र बन सकते हैं। हमारे वास्तविक जीवित होने का यही लक्षण है। और हाँ, जिस तरह चुंबक से लोहे का कण चिपकते जाते हैं, वैसे ही सफलताएं भी इंसान से चिपकती जाती हैं। बस खुद को चुंबक बनाने भर की देर है, और हम खुद को ईश्वर में भली भांत स्थिर रहकर ऐसे ही चुंबक बन जाते हैं। यही है हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य, और यही करके हम अधिकाधिक जीवन पाते चले जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।